तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला डेस्टिनेशन है वो है ऋषिकेश का त्रिवेणी घाट। तो आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ त्रिवेणी घाट के बारे में। तो कहा जाता है कि त्रिवेणी घाट एक ऐसा स्थल है जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती एक साथ अदृश्य रूप में है, और यहाँ पे जो गंगा आरती होती है शाम को लगभग 6 बजे और सर्दियों में लगभग 5 बजे वो काफ़ी शानदार होती है। और इस जगह पे अगर आप ऋषिकेश जाते हैं तो यहाँ पे जाकर आप ज़रूर इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि ये फेमस है अपने इस घाट के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे आप जो है गंगा आरती के दर्शन ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप यहाँ के मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत जो है ये जगह है। तो दोस्तों अभी जो है आपको मछली के साथ साथ जो है सांप भी दिखा देते। देखिए ये सांप, एक सांप बैठा हुआ है जो मछली शायद खाने के चक्कर में बैठा हुआ है। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे पीछे जो सबसे फेमस वाला जो है, जो यहाँ पे मूर्ति है भोलेनाथ जी की, वही है उसके सामने हम। तो आप ये पत्थरों के बीच में देख रहे हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पर पत्थरों के ऊपर पत्थर रखे हुए हैं। आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार की लाइक कुछ आस्था है। ये देखो यहाँ पर एक्टिविटी कर रखी है, उसको देखने में अजीब सा लग रहा है बट ये आस्था से रिलेटेड है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे हैं पत्थरों के बीच में, आपको पता ही नहीं चलेगा ये कुछ कर रखा है। कई जगहों में तो पूजा के लिए बत्ती वगैरह भी लगा रखी है। तो वापस चलता हूँ वहीं जहाँ से मैं आया था। तो स्वागत करता हूँ मैं गिरीश आपका फिर से आपके ही चैनल में। तो आज हम पहुँचे हैं ऋषिकेश, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये ऋषिकेश का खूबसूरत नज़ारे। तो अभी हम पहुँचे हैं त्रिम्बकेश्वर टेंपल में। तो इस टेंपल में हम आज जो है यहाँ से ऋषिकेश के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ दर्शन करेंगे यहाँ के खूब सारे टेंपल्स के बारे में आपको जानकारी देंगे और दर्शन भी कराऊंगा। तो आप पीछे देख सकते हैं मेरे पीछे क्या गजब की यहाँ बोटिंग, राफ्टिंग और बोटिंग चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है आज जो है मौसम सर्दियों का हो गया, तो इसके बाद भी जो है मौसम थोड़ा गर्म है, जिससे कि यहाँ का और मौसम भी साफ होने के कारण काफ़ी मज़ा आ रहा है। आप बने रहिए वीडियो में और देखिए पूरी वीडियो को। चैनल के सपोर्ट के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों आज जा रहे हैं हम ऋषिकेश, और ऋषिकेश जाकर हम जो है कुछ जगह एक्सप्लोर करेंगे। तो आज हमारा जो है प्लान बना विद फैमिली जाने का ऋषिकेश, तो हम आज चलेंगे ऋषिकेश और चलते हैं और वहां देखते हैं क्या क्या करने के लिए मिलता है। नदी है और सब कुछ है। तो हमारा सफ़र लगभग स्टार्ट हो चुका है, पापा गाड़ी चला रहे हैं और मम्मी जो है आगे बैठी हुई है साथ में। हमारे जो है ये कौन है? मुन्नू। मुन्नू है? मुन्नू। मुन्नू इधर देखो। मैं मधु। तो चल रहे हैं सफ़र, कुछ इस टाइप से हमारा चल रहा है। और अभी हम जो है हरिद्वार होते हुए फिर ऋषिकेश जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पतंजलि के पास में। तो सामने आप देख सकते हैं ये पतंजलि का जो है पतंजलि पीठ है, साथ में ही ये सारी यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे बनी हुई है। ये सारे जो है ऑडिटोरियम यहाँ पे सारा यही देखने के लिए मिलता है। कभी यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको घुमाएंगे, अंदर सारा जो है घूम के आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी घाट पे। सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे खूब सारी जो है फूल मालाएं और पूजा की सामग्रियों की दुकानें हैं। और सामने देख सकते हैं ये भोलेनाथ का जो है ये द्वार है, यहाँ से त्रिवेणी घाट को अंदर की तरफ जाना पड़ेगा हमें। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। सामने ये मार्केट लगी हुई है, मार्केट में जो पूजा के सारे सामान और ये मालाएं। जो है ये खूब सारे जो है शंख वगैरह रखे गए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, योग नगरी ऋषिकेश, तो कुछ स्पेशल लिखा हुआ है। बाकी चलते हैं अंदर, कुछ इस प्रकार से है। साथ में जो है पापा वहाँ पे और मधु वहाँ पे है, मम्मी का भी कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ गई मम्मी। हाँ मम्मी आगे चली गई है, ब्रिजेश वहाँ पे है। तो कुछ घाट इस प्रकार से है। देखिए घाट का कुछ इस टाइप के दर्शन होते हैं। सामने जो है गंगा जी जा रही है, वहाँ ऋषिकेश का कुछ इस टाइप से जो है देखने के लिए मिलता है। तो चलिए चलते हैं मुख्य स्थल की तरफ। तो यहाँ पे शाम को जो है गंगा आरती होती है इस तरफ, इस जो है शेड के नीचे। और सामने देख सकते हैं गंगा मैया
जो कि एक जो है क्रोकोडाइल मगरमच्छ पे जो है सवार हो रखी है। कुछ इस टाइप के यहाँ पे जो है गंगा मैया के जो है दर्शन होते हैं। और पारंपरिक रूप से जैसे जो है हमारे पुराने ज़माने के होते हैं, आज भी वही सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। तो सामने आप देख सकते हैं जो कि फेमस है त्रिवेणी घाट की जो है ये टैंप, यहाँ पे जो है मूर्ति बनी हुई है कुछ इस टाइप से। ये देखिए क्या गजब की जो है यहाँ पे मूर्ति बनी है, जिसमें जो है महाभारत का युद्ध हो रहा और इसमें श्री कृष्ण जी जो है आगे रथ पर बैठे हुए हैं और साथ में जो है अर्जुन जी यहाँ पे जो है। तो मम्मी बता रहे कि इधर को चलते हैं यहाँ पे अंदर घाट की तरफ और वहाँ से जो है गंगा जी के दर्शन कर लेते हैं। मम्मी यहीं पे होते हैं जो है श्याम को जो होते हैं ना गंगा आरती, तो यहीं पे होती है। तो यहाँ पे खूब सारे जो है भक्त जन जो है अपने जो है गंगा की जो है के किनारे पे बैठे हुए यहाँ पे आनंद ले रहे हैं। तो यहाँ से कुछ इस टाइप से जो है गंगा की माता के जो है दर्शन होते हैं। सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़ और यहाँ पे इस पे जो है खूब बड़ा सा जंगल है और पानी जो है लगभग यहाँ पे जो है बहुत कम आ रहा है। कुछ कुछ लोग जो है यहाँ से कुछ चीज़ें जो है निकालते हुए गंगा में से देखिए निकाल भी रहे हैं काफ़ी लोग यहाँ से, शायद सिक्के वगैरह निकाल रहे हैं। और सामने देखिए यहाँ से कुछ इस टाइप का दर्शन होते हैं गंगा मैया के। और सामने जो है हमारा तिरंगा प्यारा और वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो है गंगा मैया में आनंद लेते हुए। हाँ भाई सिक्के ढूंढ रहे क्या आप? ये सिक्के, अच्छा सिक्के ढूंढते हैं आप, इसमें सिक्के के अलावा क्या कुछ और अलग चीज़ें मिलती है क्या? सोना चांदी, अच्छा सोना चांदी वगैरह भी मिल जाता है इसमें? कभी कभी निकलता है या हर रोज़ निकलता है या कभी कभार ही मिलता है आपको? 10-5 दिन में मिल जाता है, यही आपका काम है? तो यहाँ यहाँ के अलावा और कहीं पे से आप ढूंढते हैं या हरिद्वार वगैरह में जाते हैं? यहाँ से लेके रामलीला, यहाँ से लेके रामलीला, रामलीला और राम झूला वहाँ तक ढूंढते हैं आप? अच्छा, तो ये सारे लोग यही काम कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो है गंगा मैया की लहरें चल रही हैं और कुछ इस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग जो है आनंद लेते हुए गंगा मैया के। तो अभी जो है पापा जी ने भी जो है अपना जो है गंगा जल से यहाँ पे से जो है जल ले लिया है और मम्मी और पापा और सभी ने जो है यहाँ पे ले लिया और मधु वगैरह ने सब ने यहाँ पे जो है बैठ के अब आनंद ले रहे हैं जो यहाँ पे धूप है। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर आपको मूर्तियाँ भी दिखेंगी पड़ी हुई हैं, लोगों ने विसर्जन वगैरह कर रखा। थोड़ा मैंने बोला थोड़ा आगे की साइड जाते हैं, यहाँ पर तो इसके लिए क्लियर सूझ सुसान में पड़ गए। तो आप देख रहे होंगे अब मैं उसे पार करके यहाँ पे आगे की साइड आ गया। लोगों ने यहाँ पर पूजा वगैरह भी कर रखी, तो आप ध्यान में रखें कि कहीं आप किसी के उसमें पाँव ना रखें, आराम से धीरे धीरे। और ये रही बड़ी वाली गंगा, वो देख रहे होंगे सामने कितनी बड़ी है, वो तो छोटी सी थी अब ये थोड़ी बड़ी है। मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, तो जरा मैं आपको पूरा एक अच्छा सा पूरा जूम करके दिखाता हूँ। ये तो रही हमारी छोटी वाली गंगा जहाँ पर लोग बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, पर इस साइड जो मैं किनारा क्लियर करके आया हूँ उधर की साइड देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे कितना क्लियर हो रखा है। तो दोस्तों अभी जो है हम आगे की तरफ चलते थे, यहाँ से जो है हमने गंगा से जो है थोड़ा बहुत हाथ जो है अपने स्वच्छ कर लिए हैं। अब हमारे को आगे की तरफ चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या क्या देखने के लिए मिलता है। और घाट में जो है पैदल चलने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और आज जो है मौसम थोड़ा ठीक है तो लोग जो है स्नान भी कर रहे हैं। और देखिए सामने यहाँ पे जो है यहाँ पे गंगा जी की आरती करते हैं सभी सब। और देखिए कुछ इस टाइप से लोगों ने आरती की है। Please be cautious. और देखिए यहाँ पे चौथ जो
चेतावनी वगैरह वार्निंग वगैरह दे रहे हैं कि अभी लेवल जो है वाटर का बढ़ने वाला है गंगा जी का, क्योंकि टिहरी डैम से जो है अभी पानी छोड़ा गया है। और कुछ इस टाइप से जो है सामने आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जो है नज़ारे यहाँ से देखने के लिए मिल रहे हैं। और मुन्नू का कहना है कि अभी जो है मुन्नू थक चुकी है, देखो कैसे ले जा रहे हैं बेचारी को। और मधु से चला नहीं जा रहा है पर जो है चलने की पूरी कोशिश कर रही है। उधर की तरफ चलते हैं और वहाँ से देखते हैं जो गंगा जी के क्या दर्शन होते हैं वहाँ से। काफ़ी अच्छा जो है वहाँ से तो एक जगह पे हम आए हैं, यहाँ पे जो है कुछ पूजा वगैरह भी हो रही है। तो सभी अभी ना जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे शायद पिंड दान वगैरह हो रहा है, तो यहाँ पे पिंड दान वगैरह भी करते हैं शायद लोग। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल आखिरी एंड पे आ गए हैं, यहाँ जो है इसलिए आए थे कि यहाँ पे जो है हमारे भोलेनाथ जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी का यहाँ पे एक शिवलिंग भी है और यहाँ से काफ़ी अच्छा दृश्य आ रहा है। बिल्कुल साइड तक जो है एक जो है अगला घाट भी दिख रहा है। तो यहाँ से जो त्रिवेणी घाट है जो कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलता है, देखिए सामने उस तरफ जो है कुछ इस टाइप का जो है नज़ारा देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों अभी हम फेमस जो यहाँ की मूर्ति है उस पर पहुँच चुके हैं, तो वहाँ पे चलते हैं और वहाँ के जो है इस मूर्ति के दर्शन करते हैं और यहाँ के मार्केट को भी चेक कर लेंगे इसके बाद। तो दोस्तों अभी पापा तो लग गए हैं, और पापा और मधु तो जा चुके हैं, मधु और पापा यहाँ लग गए हैं शॉपिंग के काम पे। तो हम जो है यहाँ के जो मेन अट्रैक्शन है उस पर चलते हैं और वहाँ पर जो उनके दर्शन करते हैं। तो आप सामने देख सकते हैं त्रिवेणी घाट में अगर आते हैं तो इस जगह पर आकर आप ज़रूर और ज़रूर यहाँ से जो है फ़ोटो वगैरह ज़रूर लीजिए। सामने आप देख सकते हैं हमारे भोलेनाथ जी यहाँ से क्या गजब के दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ ये सबसे गजब का जो है दृश्य यहाँ से देखने के लिए मिलता है और सभी लोग यहाँ पे आकर जरूर एक अपनी फ़ोटो ज़रूर लेते हैं। यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे आकर देखिए सभी अपनी जो है फ़ोटो और वीडियो ज़रूर बनाते हैं। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं फिर से मुख्य जो है घाट पे। तो सामने चलते हैं। तो दोस्तों अब समय आ चुका है कि हम मार्केट को थोड़ा एक्सप्लोर करें यहाँ का, तो चलिए चलते हैं और मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे आए हैं, देखिए यहाँ पे कुछ शंख वगैरह रखे, काफ़ी बड़े बड़े शंख रखे हैं और साथ में जो है काफ़ी सारे कड़े हैं। ये शालिग्राम वाला जो है वो शिवलिंग, तो शालिग्राम वाला शिवलिंग कुछ इस प्रकार से देखने के लिए लगता है और खूब सारी जो है भोलेनाथ जी के शिवलिंग वगैरह रखे हुए हैं और काफ़ी सारे लोग जो है इस टाइप का जो है केदारनाथ वाला टेंपल भी लेते हैं। तो हम पहले दुकान पर पहुंच चुके हैं, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी जो है मालाएं वगैरह रखी है, गुरुदास की माला, कड़े और कुछ पूजा की जो है चीज़ें यहाँ सामने रखी। इधर की तरफ जो है आपको पहले भी दिखाया था मैंने, यहाँ पर फूल की मालाएँ और प्रसाद की दुकानें हैं और यहाँ पे देखिए कान की बालियाँ खूब सारी रखी हुई है। तो दोस्तों अभी एक जो है ऋषिकुंड की तरफ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे एक जो है भोलेनाथ जी का टेंपल है, सामने जो है शनिदेव का भी टेंपल मेरे को लग रहा है, हाँ शनिदेव का भी टेंपल है। तो ऋषिकुंड में कुछ इस टाइप से देखने के लिए मिलती है, मछलियाँ भी है अंदर, वाइट वाइट सी मछलियाँ भी देखने के लिए लग रही है, देखने के लिए मिलती है यहाँ पे। वो एक सफ़ेद मछली दिख रही है अंदर की तरफ घूमते हुए। तो ये जो है यमुना जी है यहाँ पे और वहाँ पे देखिए वहाँ पे जो है ऑरेंज मछलियाँ भी दिख रही है। तो सामने जो है पंडित जी भी कुछ जानकारी दे रहे हैं इसके बारे में। तो पंडित जी बता रहे हैं यहाँ पे जो है ये जो कुंड है, कुंड में जो है यमुना जी है। हाँ ये तो सारी लगा लो, आप 30 रुपये का आ जाओ, कोई टैक्स भरा नहीं है।
तो यहाँ पे जो है यमुना जी, जो है यमुना जी कुंड में, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे ब्रह्मा जी ने जो है तप किया था, ऐसे ये पंडित जी बता रहे हैं। तो अभी हम ऋषिकेश पहुंच चुके हैं, पार्किंग से जो है कुछ इस टाइप का नज़ारा देखने के लिए मिलता है। सामने आपको जानकी झूला दिखाई पड़ जाएगा और वो परमार्थ निकेतन सामने, जहां पे हमने पिछली बार पिछले साल जो है वीडियो बनाई थी। और सामने आप देख सकते हैं यहां पे देखिए, यहां पे बोटिंग भी चल रही है, काफ़ी सारे लोग बोटिंग भी कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं इधर की तरफ, राम झूले की तरफ, तो वहाँ पर राम झूले पर चलते हैं और वहाँ से दिखाते हैं आपको क्या दृश्य आप देखने के लिए मिलता है।